फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती, मैं शहजादा हूँ मेरी माँ कहती है। गाइस फिर से मैं लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और न्यू रील्स एडिटिंग। तो गाइस इस वाली ऑडियो पेज पे देख ही सकते हो खतरनाक व्यूज जा रहे हैं लोगों का। तो गाइस इस टाइप की रील्स क्रिएट करके अगर आप लोग अपलोड कर देते हो तो गाइस आप लोग का रील्स वायरल होने का चांस बढ़ जाता है। तो गाइस देख ही सकते हो ट्रेंड का साइन बना हुआ है। तो गाइस सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर में फ्री है। तो सबसे पहले आप लोग फोटो को ले लीजिएगा, उसके बाद क्रॉप ऑप्शन में आप लोग को जाना है। तो उसके बाद यहाँ से स्टोरी ऑप्शन को चूज़ कर लेना है और यहाँ से पहले क्रॉप कर देना है। ओके, क्रॉप कर देने के बाद आप लोगों को टेक्स्ट ऑप्शन में जाना है। यहाँ से नीचे से स्क्रोल करेंगे गाइस आप लोगों को मिल जाएगा करेगा। तो फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, स्टोरी में आप लोगों को क्लिक करना है। ओके, इंस्टाग्राम स्टोरी में तो सिंपली यहाँ से आप लोगों को जाना है टेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ से आप लोगों को लिख देना है आई लव यू मॉम। ओके, तो इस टाइप से लिख देना है यू मॉम। ओके, तो यहाँ से लव का आइकन दे दीजिएगा इस टाइप से और यहाँ से आप लोगों को इसे स्क्रॉल करके रख सकते हो ऊपर की ओर। ओके, सबसे पहले ये स्टेप आप लोगों को कर देना है और उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ से कलर में जाना है। यहाँ से वाइट कलर भी चूज़ कर सकते हो, तो बहुत सारे कलर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ से आप लोग को रख देना है, तो जहाँ पे आप लोगों का पसंद है आप वहाँ से रख सकते हो। सो सिंपली यहाँ से रखने के बाद यहाँ से कर लेते हैं ये वाला वीडियो को डन और उसके बाद ये वाला फ़ोटो को सेव कर लीजिएगा, यानी कि एक्सपोर्ट कर लीजिएगा सेव टू गैलरी में। तो यहाँ से डन करके यहाँ से ये आरो पे क्लिक करके आप लोग सेव ऑप्शन में क्लिक करके गैलरी में सेव कर लीजिएगा। ओके, सेव कर देने के बाद आप लोग को इंटरनेट को ऑन कर देना है और टर्बो वीपीएन से कनेक्ट कर देना है। तो गाइज इंटरनेट ऑन कर चुका हूँ मैं, तो सिंपली यहाँ से हम लोग ऑन कर लेंगे टर्बो वीपीएन। तो गाइज टर्बो वीपीएन प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री है, डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो कनेक्ट कर देने के बाद गाइज आप लोग को मिल जाता है कनेक्टेड होकर मिल जाए करेगा। ओके, तो सिंपली यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है होम की प्रेस करके। तो यहाँ से कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। कैपकट एप्लीकेशन प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री है, तो गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन में गाइज आप लोगों को जाना है। तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाता है, सबसे पहले आप लोग को वीडियो फुटेज को ऐड करना है। इस टाइप का वीडियो है, ब्लैक कलर सा लिरिक्स वाला वीडियो, इसको आपको सबसे पहले रखना है। तो देख ही सकते हो मैं रख चुका हूँ ये वाला वीडियो, आप लोग को लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगी करेगी। तो एंडिंग पेज को आप लोगों को डिलीट कर देना है, उसके बाद म्यूट वीडियो क्लिप लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो क्लिप म्यूट हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग ऑडियो ऐड कर सकते हो, तो उससे पहले हम लोग फोटोज़ ऐड करते हैं। तो इस प्लस आइकन में गाइज आप लोग क्लिक करना है, फोटो सेक्शन में आप लोगों को जाना है। तो यहाँ से एक फ़ोटो जिसको आप लोग सेव किया था उसको ऐड कर देना है। तो सिंपली यहाँ से फ़ोटो को आप लोगों को स्क्रॉल करके 1.5 सेकंड तक रख देना है। तो देख सकते हो 1.5 सेकंड जहाँ से हो जाता है मैं वहाँ पे रख दूँगा। तो रख देने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, नीचे से स्क्रॉल करके यहाँ से आप लोगों को मिल जाता है कॉपी ऑप्शन एक मिल जाता है। तो यहाँ से कॉपी ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो फिर से आप लोगों को कॉपी ऑप्शन गाइज मिल जाता है। तो दो बार तीन बार हो गया, चार बार गाइज आप लोग करना है। ओके, ये देखिए आप लोगों को चार फोटोज़ बन चुका है। तो सिंपली यहाँ से फ़ोटोज़ बनने के बाद आप लोग को ऑडियो ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्टेड पर जाना है। तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाता है वायरल वीडियो, तो वायरल वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो वायरल वीडियो को आप लोग टैप करेंगे तो इम्पोर्ट साउंड में क्लिक कर लीजिएगा। तो उसके बाद गाइज यहाँ से ऐड हो जाने के बाद ऑडियो, उसके बाद आप लोग को फ़ोटो पे क्लिक करना है, एनिमेशन ऑप्शन में गाइज जाना है। ओके, तो फ़ोटो पे क्लिक करना है, एनिमेशन ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ से आप लोगों को एनिमेट होने लगेगा वीडियो आप लोग फोटोस आप लोगों का। तो चार फोटोस है हमारे पास, तो सिंपली फ़ोटोस पे क्लिक करना है, एनिमेशन ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले इन एनिमेशन में जाना है, तो इन एनिमेशन में जाने के बाद बहुत सारे एनिमेशन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाए करेंगे। तो सिंपली यहाँ से सबसे पहला जो एनिमेशन है जूम आप लोग को रखना है। ओके, तो सेकंड वाला जो एनिमेशन आप लोग को लगाना है वो आपको लगाना है यहाँ से बैक आ जाना है। सेकंड वाला एनिमेशन को लगाने के लिए यहाँ से आप लोग को बैक गाइज आ जाना है। ओके, तो सेकंड वाला एनिमेशन हम लोग लगाने वाले हैं कॉम्बो ऑप्शन में। तो
यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो बहुत सारे एनिमेशन भी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ से कॉम्बो ऑप्शन में जाना है, फोटो में क्लिक कीजिए, एनिमेशन में क्लिक कीजिए और कॉम्बो ऑप्शन में जाइए। तो यहाँ से सेकेंड में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो वूबल एक लिखा होगा, WOBBLE, तो वूबल वो वाला एनिमेशन को लगाना है इसको। ओके, इसको लगा देने के बाद थर्ड फोटो में हम लोग लगाने वाले हैं, तो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग मिल जाएगा Pendulum 1। ओके, तो Pendulum 1 को लगाने वाले हैं और लास्ट फोटो में हम लोग लगाने वाले हैं Pendulum 2 को। ओके, तो इस टाइप से आप लोग लगा लीजिएगा, तो Pendulum 2 को लगा देना है। तो दोनों में लग चुके हैं, तो लग जाने के बाद यहाँ से फोटो को वीडियो को यहाँ से डन करना है और आप लोगों को एक बार प्ले करके देख लेना है कि वीडियो आप लोगों की कैसे बनी है, म्यूजिक के साथ सही सही से आ रहा है कि नहीं, आप लोग प्ले करके देख लीजिएगा। और देख लेने के बाद यहाँ से एनिमेट होकर आया करेगा आप लोगों का फोटोज़ और कुछ इस टाइप से लगने लगेगा। तो वीडियो गाइस कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हो। ऊपर में एक्सपोर्ट का आइकन बना हुआ है सेव का, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सेव कर सकते हो। वीडियो गाइस आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और मिलते हैं गाइस ऐसे ही वायरलेस एडिटिंग में।